कर्नेल डॉक्टर जेपी सिंह कहते देश जड़े राष्ट्र नायक को हर जे लगातार भावे भारत सेना को अत्याधुनिक करने को इच्छा करुले आत्मनिर्भरशील भारत को आगक ने रावत मेक इन इंडिया को सेना बाहन लागू कर 2008 रे मु अवसर नहीं किंतु 1994 रु सीडीएस को जानी मामू मोर अति घनिष्ठ थनेक समय सहित तो देखा हुए से बहु साहसी सीधा कहुवा व्यक्ति थे भारतर अढ़े जन शत्रु कहते सीडीएस दुई पड़ोशी राष्ट्र एवं अन्य जड़े आम देश भितर शत्रु से नो मिस्टेक रे विश्वास करुथिले बोली कहिछंति जेपी सिंह भूल काम को से जमारु प्रश्रय देउ नथिले अन्य पटे जहाँ को दंडित करुथिले तंका परिवार रा चिंता मध्य करुथिले दिल्ली रो बाहरी आमे वर्तमान हरिद्वार रे पहुंचिछु सीडीएस बिपिन रावत को जन्मित गांव को आमर यात्रा तेबे आउ किछि समय परे आमे सीडीएस बिपिन रावत करो से जन्मित गांव पावड़ी गढ़वाल ले पहुंचबु सेठारे किभली थिला तांको पिला दिन एवं किए के वर्तमान सेठी रहउचंती ता आमे आपनकु देखाइबु। शिखर जन्म होई देशर सेना विभाग रो शिखर रे पहुंचिथिले पहाड़र पुओ सीडीएस बिपिन रावत नुआदिल्ली राति 4टा बाहरी प्राय 400 किलोमीटर पर टीम एयरगस पहुंची बीरमोली खाल रे बाटरे पड़ा मिरट हरिद्वार कोडद्वार दुगड़ा हाथनूर खुदिला बीरमोली दिल्ली रु यात्रा करी आम बर्तमान बिपिन रावत को गाँ को जाऊँ तेरे बाटर किसी पदचारी अच्छा ग्रामवासी अच्छा से पचारि बुझा जे गाँ टी बर्तमान कौटी कहीं कन्फ्यूजन हो गाँ को जीवाई बहुत घंच रास्ता रही बहुत दीदी कहे पूरा आप सैट्र भिजुआल देखुए बहुत गेहरा रही सैट्र रास्ता खालुआ रही भैया ये गाँव का नाम क्या है और कितना दूर पे है बिपिन रावत जी का घर? हमारे गाँव का नाम जवाड़ है और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है बीरमोली खालू आरंभ करिथिलु बिपिन रावत पैतृक गाँ सेण पाई पादचला यात्रा बिपिन साहब थे उनका घर यहाँ से थोड़ी सी दूर मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के अंतराल में है। उनका गांव का नाम ग्राम सैण है और 8 तारीख को जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था बस उसी दिन से मतलब लोगों को ये मतलब उम्मीद नहीं रही थी कि जब इतनी दुर्घटना घट गई तो उनका जीवित रहना असंभव लग रहा था लेकिन 9 तारीख को जब वो डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद 9 तारीख को हमने यहाँ पे बीरमोली खाल में यहीं पे आगे थोड़ा सामने एक शोक सभा रखी थी जिसमें हमारे क्षेत्रीय एम केशवर की विधायिका श्रीमती ऋतु खंडूड़ी और हमारे कोटद्वार से कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल से श्री महेंद्र सिंह राणा जी आदि क्षेत्रीय काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे उनके शोक सभा में सम्मिलित हुए थे। अब तो लगभग 50% कम हो गए घर में केवल गांव में बूढ़े बूढ़े ही जीवन यापन कर रहे हैं बाकी जो जवान लड़के हैं चाहे वो बेरोजगार हैं कहीं भी है लेकिन बाहर हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा हम लोगों के लिए नहीं है। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा सभी चीज़ों से लगभग वंचित हैं। हमारे यहाँ एक भैरवगढ़ी पंपिंग योजना से पानी के नल लगे हुए नल खाली खड़े हो रखे हैं लेकिन उनमें कुछ कोई पानी नहीं है और ये जो योजना थी है लगभग आज से 24 साल पहले की बनी हुई थी तब से अभी तक नहीं है। इधर जो बिपिन रावत जी का जब ये जनरल बने थे सन 18 में उसके ठीक 30वें दिन उनके गांव के लिए सर्वे हो गई थी रोड की PWD के द्वारा लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक भी और रोड क्या उस कच्चे रास्ते पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रखा है। झाड़ी झंकार चारों तरफ हो गया रीछ भालुओं और बाघ की बड़ी डर हमेशा लगी रहती है। अभी उनके चाचा जी से आप पता कर लेंगे उनके चाचा जी हमेशा
डर के मारे अपने कुत्तों के साथ में, जो पाले हुए कुत्ते उनके सारे वहां पे जीवन यापन कर रहे हैं। राति 4 नूआदिल्ली बाहर की वर्तमान दिन जी कह 12 आम वर्तमान सेण गाँव में पहुँचीचु। बीरमुली खाल रु वर्तमान आम पादरे जीवु। आप देखते एठाकर जो महिला मान रही से कि भाव जो घास रही निज मुंड नहीं कि आस यू विपिन रावत घर केत दूर तुम पचारि बुझा माजी यहाँ से विपिन रावत जी का घर कितना दूर पे है? थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो उनके घर देखे हैं? हाँ देखे हैं, देख रहा है। बचपन में कभी मुलाकात हुआ था, कभी देखे थे? पिछले साल जब इधर आए ना उस समय हुआ मुलाकात। मन में कुछ दुख ही हो रहा है उनका? हाँ, देहांत दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारा गांव का था, गांव तो हमारे ये क्या ग्राम सभा है ना, तो हम वहाँ से घर महसूस करते हैं। हाँ घर महसूस करते हैं। क्या लेके जा रहे हैं आप? हम घास, गाय के लिए घास। गाई पई घास नहीं कि से जाउछन्ती तांको पछुको आउर जने मध्य आउरी वयस्क वृद्धा रहिछन्ती। तेबे ई रास्ता रे वर्तमान आमे सीधा जीवु जो सेण गाँ रही किभली रही से गाँव अवस्था कहीं वर्तमान देखुवे सीडीएस हेलापर मध्य निज जो पैतृक गाँ रही से पैतृक गाँ को एबे पर्यंत रास्ता नहीं। जहाँ आम पाखे खबर रही सूचना रही जो चाचा रही तांकर जो चाचा रही सी ही केवल वर्तमान ये गाँव में बसवास कर गाँव में रोचान्ती। तेबे गाँव रत संख्या बची जाती कहीं जहाँ जो बीरमुली खाल जनसाधारण रही कहवा कथा जे गाँव में बेसी लोक नहांती। तेबे गाँव रु लोक मैंने कहीं छाड़गले कहीं शिक्षार समस्या रही, स्वास्थ्यर समस्या रही, पानीर समस्या रही, जलवायुर समस्या रही, पूरा संपूर्ण एरिया टी कहे पहाड़ पर्वत घेरा रही। तेबे ये समस्त कथा को आम गोटे पर गोटे आलोचना करवा देखा गाँव रृश्य। आसतु जावा विपिन रावत पैतृक गाँ सेण।